श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। रामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले, पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। उहां दस आनन जाग करी करई लाग कछु जगे, राम विरोध विजय चहे सक हट बस अति अगे। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा, वो मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हट बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्धि भये नहीं मरी अभागा। यहाँ विभीषण जी ने जब ये खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वो अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवाओ नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आव दस कंदर, प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुम दादि अंगद सब धाए। हे नाथ, तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा, हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल में ही कूद कर लंका पर चढ़ गए और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। क्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, क्यों ही बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गए आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, चितव ना कठ स्वारत मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी कोप कपी, गही दसन लातन मारही, धरी केस नारी निकारी बाहर, तेईस दिन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही, चरण बानर डारई। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मत, देखी मन महुहारई। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए, वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। ये देखकर वो मन में
हारने लगा अर्थात निराश होने लगा। यज्ञ भी ध्वंस को सलका पी आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रोध होई त्याग जीवन कई आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए, तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गीध उड़ाई सिरन पर, भयो काल बस काहू न माना, कैसी बजा बहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल असगुन होने लगे, गीद उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वो काल के बस था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। चलितमी चर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहें जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं, वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देव तन अस्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी, अब जंग राम के लाव हुए ही, अतिशय दुखित होती भई देनी। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, उसने हमको बहुत दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए, जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठ रघुबीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बांधे माथा, सोहई सुमन बीच बीच गात। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच में पुष्प गूंधे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा, कटित परिकर कलशुनि संगा, करको दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं, प्रभु ने कमर में फेंटा कसा, तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सार धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत पुर, धरासुर पद लयो, कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि, सिंधु भूदल जगमगे। प्रभु ने हाथ में सार धनुष लेकर कमर में बाणों का अक्षय सुंदर तरकस कस लिया, उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, यूं ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरसितुर भर सही सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुना आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे, और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणानुधान, प्रभु की जय हो जय हो जय हो,
ऐसा पुकारने लगे। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, कौन सुत हनुमान की।